मेरे किसान साथियों और प्रकृति प्रेमियों, खेती और बागवानी करना एक कला है और कला में कुशल होना ये जरूरी है, क्योंकि आप एक नॉर्मल तरीके से जो हमारे बुजुर्ग हैं या अन्य जो व्यक्ति कर रहे हैं, अगर सेम हम तरीके से बागवानी या कृषि करेंगे तो इतना अच्छा मुनाफा हम नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हमें कुशल होना पड़ेगा, अपने क्षेत्र के अंदर अपनी बागवानी के अंदर माहिर होना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है समय समय पर हम जानकारी लेते रहें। मैं अब जो वीडियो बना रहा हूं उसमें 10 पॉइंट लेके चल रहा हूं, जो सेव का शुरू से और अंत तक उसमें पूरी जानकारी दी गई है। सेव का उत्पादन जम्मू कश्मीर में 58%, हिमाचल में करीब 29%, उत्तराखंड में 12%, अरुणाचल में 1%। ये हमारे देश में जो चिलिंग वैरायटियां हैं वो है। जो नॉन चिलिंग एरिया है, जहाँ पर कभी बर्फ़ नहीं गिरती और टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं आता, उनमें अलग है। अब चिलिंग आवर्स क्या होता है साथियों? चिलिंग आवर्स वो होता है जो 60 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर रहता है, कितने घंटे रहता है, उसको हम चिलिंग आवर्स बोलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल में जो मैंने आंकड़े बताए हैं वो वैरायटियां जो अब आम दुकानों पे जो आप देखते हो ये आती है, या कोल्ड स्टोर से आती है, जो इनका चिलिंग आवर्स है वो कम से कम 500 घंटे से शुरू होता है और 1200 घंटे तक जाता है। यानी कि 60 डिग्री से नीचे कितने घंटे इसको मिल रहे हैं और उसके अनुसार ही वैरायटियों का चयन किया जाता है। जो आप सितंबर अक्टूबर में देखते हो, जो स्टार्टिंग में आती है, किसान को उसमें अच्छा मार्जिन मिलता है। जो हमारे चिलिंग वाले किसान हैं वो गाला वैरायटी आती है, वो बड़ी चमकदार होती है, किसान को 150-200 रुपये रेट आसानी से मिल जाता है, मार्केट में वो 300 से ऊपर बिकती है। उसके बाद डेल्सियस है, रॉयल है, ये फिर हमारी अक्टूबर नवंबर के लगभग आती है, तो उसमें भी ठीक ठाक रेट मिल जाता है। अब आते हैं हम नॉन चिलिंग एरिया पर, जहाँ पर कभी बर्फ़ नहीं गिरती। इसके अंदर कुछ वैरायटियाँ हैं वो काफ़ी सक्सेस रही और उनका रिजल्ट भी है, और कुछ वैरायटियों पर अभी काम भी चल रहा है, आगे वीडियो में हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने 10 पॉइंटों का चयन किया है कि हम किस तरह इसको हम डिवाइड करें और खेती हम किस तरह करें, शुरू कहाँ से करें, कौन कौन सी वैरायटियों पर काम करें और नया अपडेट क्या है उसके बारे में जानते हैं। नंबर वन पे है जलवायु। जब भी हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, कोई भी किसी की बागवानी करते हैं, तो हमें जलवायु को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि जो हिमाचल में जो वैरायटियाँ हो रही है वो यहाँ हो जाएगी और यहाँ की हिमाचल में हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सब एरिया की अलग अलग जलवायु है, अलग अलग टेम्परेचर, उसके अनुसार ही वैरायटियों का चयन किया जाता है। भूमि यानी कि ज़मीन, बागवानी के लिए उपजाऊ ज़मीन दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। पानी की अच्छी से निकासी हो, ज़मीन का जो पीएच है वो 6 से 7.5 के बीच हो तो ये काफ़ी अच्छा है। पानी जो है वो मीठा पानी होना चाहिए, खारा नहीं होना चाहिए। पानी का जो पीएच है 7.5 के लगभग हो तो अच्छा है। सबसे मेन है, जहाँ भी आप बागवानी कर रहे हो वहाँ पर पानी की निकासी होना आवश्यक है, अन्यथा आपका पौधा जड़ गलन का शिकार हो सकता है या अन्य फंगस जनित रोग आ सकते हैं, आपका पौधा मर सकता है। सेव के लिए टेम्परेचर, सेव की बागवानी के लिए वैसे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जो टेम्परेचर मायने रखता है वो -12 से और 35 डिग्री जब वो पकता है, तो 35 डिग्री से ऊपर ना हो तो वो उसके लिए बहुत अनुकूल होता है। उसके बाद आता है नॉन चिलिंग एरिया, जहाँ पर कभी बर्फ़ नहीं गिरती, वहाँ पर जो टेम्परेचर है 0 से 47 डिग्री हो उसको कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, वहाँ पर फ्रूटिंग भी अच्छा होता है और फल भी लगता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। सेव की नर्सरी, सेव की नर्सरी लेते वक्त आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने जो पौधा लिया है वही उसका भविष्य है और आपका भी। आप जो पौधा चयन कर रहे हैं वो ये देखें कि कौन से रूट स्ट्रोक का है या सीडलिंग है क्या है और कौन सी वैरायटी है, उसके अनुसार ही, क्योंकि यही सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पर आपका पौधे का भविष्य तय होगा कि कितने दिन में कौन सी वैरायटी है और कब ये फल देगी और हमारे यहाँ पर इस क्लाइमेट में ये सूटेबल भी है या नहीं। तो ये चीज़ नर्सरी चयन करते वक्त काफ़ी ध्यान रखें, और उसमें कोई रोग भी नहीं होना चाहिए जिससे हमारे खेत में अगर वो हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारी दूसरी क्रॉप को भी नुकसान करेगा, तो आप ये भी ध्यान रखें। प्रारंभिक रोपण व देखभाल की व्यवस्था, इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा यहाँ पर कौन सी वैरायटी हो रही है, कौन सी वैरायटी लगानी है, कितनी दूरी पर लगानी है, क्या कुछ हमें ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपने खेत की मार्किंग करें, मार्किंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि हमें रूट स्टॉक लगाना है या सीडलिंग लगाना है। दूसरा, दीवार से करीब 8 फीट, बड़े पेड़ से 10 फीट, यानी कि छांव नहीं आनी चाहिए, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है।
क्योंकि जो फ्रूट वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, उनको प्रॉपर धूप चाहिए। अगर धूप नहीं मिली तो फ्रूटिंग नहीं आएगी, वो पौधा बढ़ता रहेगा। काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि भाई साहब इसमें कम फ्रूट आता है, हमने एक शीशम के पेड़ के पास या अन्य बड़े पेड़ के या छोटे बगीचे में लगा रखा है, तो वो घुचर पुचर कर देते हैं, छोटा बड़ा एक साथ कर देते हैं, फिर उसमें एफलन की समस्या आती है। ये सभी फ्रूट में देखने को मिलती है। पौधा लगाते हैं तो समय ध्यान रखना जरूरी है। किसान साथियों, चिलिंग जो क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, उनका जो पौधे लगाने का समय है वो है फरवरी मार्च। जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर है सर्दी का समय, जब पतझड़ हो जाती है तब, यानी कि दिसंबर और जनवरी, इसके मध्य पौधे लगाए जाते हैं। फिर पौधे लगाने के लिए आपको गड्ढा करना है। गड्ढा 1x1x1 मीटर या 2x2x2 फीट, इसका गड्ढा करना है। गड्ढा करने के बाद उसको करीब 10 से 15 दिन आप खुला छोड़ दें, जो मिट्टी निकली उसको फैला दें दो टुकड़ों में, ऊपर की निकली उसको अलग और जो नीचे की निकली उसको एक साइड कर दें। इसके बाद उसका चिलिंग जो है वो उसका उपचार हो जाएगा, यानी कि दो तरीके से ज़मीन का उपचार होता है गड्ढे का, मिट्टी का। एक होता है सोलराइजेशन गर्मी में, एक होता है सर्दी में। सर्दी में तेज़ ठंड मिलने से उसके जो फंगस जनित रोग हैं या अन्य जीवाणु वगैरह हैं वो सब मर जाते हैं और हमारा पौधा अच्छे से चलता है। इसके बाद आती गड्ढे की भराई का समय। जब हम गड्ढा भरेंगे तो उस समय क्या ध्यान रखना है, जो हमने खेत की ऊपर की मिट्टी एक साइड की थी उसके अंदर हमने 25 किलो गोबर खाद, आप ये ध्यान रखें अच्छे से सुने, 25 किलो गोबर खाद, आधा किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 2 किलो नीम की खड़ी, 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा, इन सब को मिक्स करना है। मिक्स करके मिट्टी के साथ और गड्ढे को वापस भरना है। गड्ढे को भरते समय करीब 3 इंच ऊंचा भरें और फिर उसके थोड़ी कुंडली या ड्रिप लगाकर उसमें एक बार पानी दे दें और फिर उसके 2 दिन बाद प्लांटेशन करें, जिससे गड्ढे में जो हवा है या वो फूली मिट्टी वो नीचे बैठ जाए और उसके बाद उसमें प्लांटेशन करें। प्लांटेशन करते वक्त उसको फंगस जनित रोग से उपचार करें। हालांकि अगर आप हमारी नर्सरी से लेते हैं तो हम यहाँ ट्रीटमेंट करके भेजते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लांटेशन कर दें। प्लांटेशन के वक्त आपको क्या सावधानियाँ रखनी है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी ज़मीन में दीमक की समस्या है तो दीमक के लिए आप क्लोरोपाइरोफास 7 ml 2 लीटर पानी मिक्स करके पौधा लगाने के कुछ दिन बाद उसमें डाल दें तो दीमक की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ये आपको प्रमुखता से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ गलती हुई तो दीमक उसको खा जाएगी, या कच्चा गोबर होगा तब भी ये समस्या आएगी। आप पका हुआ गोबर यानी कि 1 साल पुराना जो गला हुआ है अच्छे से वो लें तो वो सबसे अच्छा। पौधा लगाने के बाद उसमें पानी दें भरपूर, एक बार अच्छे से पानी दें और आपका 50% काम यहीं कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो 50% है वो पौधे के आने वाले जीवन काल पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो स्टेप थे यही सबसे मेन थे। सेव का प्रसारण यानी कि सेव किस तरह तैयार होता है, तो इसके लिए सबसे मेन हमें ध्यान रखना है कि हमारी किस तरह की जलवायु है, किस तरह की मिट्टी है और कितनी तेज़ हवाएं चलती है, उसके अनुसार हमें उसका मूल वर्ग चुनना है और वह वैरायटी भी वही लगानी है। तो जहाँ पर गर्म क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर लोग सीडलिंग लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर टाइट है, अच्छी ज़मीन है, वहाँ पर रूट स्टॉक का भी चयन करना सबसे उचित है। रूट स्टॉक और सीडलिंग में ये अंतर होता है, सीडलिंग का पौधा काफ़ी बड़ा होता है, फ्रूटिंग लेट देता है, और रूट स्टॉक का पौधा वो छोटा होता है, फ्रूटिंग 2 साल में स्टार्ट हो जाती है और क्वालिटी का फ्रूट आता है। अब इसमें भी 2 तरह के रूट स्टॉक है। अगर आप ट्रेलिंग सिस्टम से करना चाह रहे हैं तो आप M9 चुनें, अगर आप नॉर्मल करना चाह रहे हैं पुरानी पद्धति से तो M7 या M111 का भी चयन कर सकते हैं। तो इस तरह आप रूट स्टॉक पे और सीडलिंग पे अपनी प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन करने का समय मैंने आपको बता दिया। जो नॉन चिलिंग एरिया है जहाँ पर कभी बर्फ़ नहीं गिरती वो दिसंबर और जनवरी के मध्य ऑर्डर देकर इनके पौधे मंगाकर प्लांटेशन आसानी से कर सकता है। आप ये ध्यान रखें कि आपने कितने पौधे लगाने हैं, कितनी दूरी पर लगाने हैं, तो आप उसके अनुसार ही देखें। रूट स्टॉक का रेट हमेशा महंगा होता है। रूट स्टॉक 2 तरीके से तैयार होते हैं, क्लोनल और टिश्यू कल्चर। वो आपकी इच्छा है आप कौन सा लेना चाहें, दोनों ही अच्छे हैं। वैसे टिश्यू कल्चर काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि रूट सिस्टम उसमें काफ़ी अच्छा है, रोग कम लगता है। दूसरा ये है, कोई भी किसान कम क्वांटिटी मंगाकर ट्रायल करना चाह रहा है 10-20 पौधे, तो वो रूट स्टॉक मंगाएं क्योंकि उसका ट्रायल सबसे जल्दी आता है और आपको रिजल्ट भी बेहतरीन मिलेगा। कटाई छटाई, किसान साथियों आप ये ध्यान रखें, जब भी किसी पौधे की हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो उसका मौसम
का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन से मौसम में हम इसकी कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं। जैसे अभी ये हमारे यहाँ, मैं भिवाड़ी जिला अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी यहीं पर नर्सरी है एप्पल की, और ये पौधे हैं। अगर हम इस तरह इसको हिला रहे हैं तो ये पौधा भी इसे पत्ते नहीं गिरा रहा है, लेकिन आप ये देखें इसने नई ग्रोथ रोक दी है। ये देखेंगे तो इसमें नई पत्ती नहीं आ रही है, जो पुरानी पत्ती है वो हल्की हल्की यहाँ से सूख रही है, धीरे धीरे करके कुछ कुछ पत्ते भी गिर रहे हैं। जैसे ये देखें, ये पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पतझड़ का समय अब नज़दीक आ गया है, और हम इसकी जब ये पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और ग्रोथ बंद हो जाएगी, उस समय हम इनकी प्रूनिंग करेंगे। कभी भी प्रूनिंग जब टेम्परेचर हमारा 30 से ऊपर हो तो ना करें, 30 से जब नीचे टेम्परेचर आ जाए, धीरे धीरे जब नीचे आ रहा हो तब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। जो आता है चिलिंग एरिया में, चिलिंग एरिया के अंदर अक्टूबर से ही टेम्परेचर डाउन आने लग जाता है, और वो जैसे जैसे फल टूटता है उसके बाद वो प्रूनिंग करने लग जाते हैं, और उनकी प्रूनिंग दिसंबर तक कंप्लीट हो जाती है। हमारे यहाँ पर नॉन चिलिंग एरिया में जो प्रूनिंग होती है वो दिसंबर से स्टार्ट होकर जनवरी तक चलती है। तो जब भी इसकी सबसे सिंपल पहचान है, पौधा ग्रोथ रोक ले, पत्ते झड़ने लग जाएं, तो हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अब प्रूनिंग करना इतना आसान नहीं है और पौधों की तरह, सेब में प्रूनिंग होती है अलग तरीके से। इसके लिए हमने करीब 10 वीडियो हिमाचल कश्मीर के जो अच्छे ग्रोवर हैं, जो अच्छे किसान हैं, जिनका अच्छा काम है और काफ़ी लंबा अनुभव है, उनके साथ हमने काफ़ी वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक है उन पे, आप ओके करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रूनिंग काफ़ी अहम है। जिन किसान साथियों को प्रूनिंग समझ में नहीं आ रहा है, जब समझ में आए तब कर लेना, तब तक के लिए 1-2 साल उसमें ज़्यादा प्रूनिंग ना करें। बस जो बीच की ब्रांचें हैं जिसमें जो धूप रोक रही है पेड़ में, वो आप कट कर सकते हैं। जैसे ये पेड़ हैं, अगर इसमें ज़्यादा घना है तो अंदर से 1-2 ब्रांच जो सीधी जा रही है उसको आप काट दें, ये जो सीधा है उसको आप काट दें। और अभी से आपको अगर प्रूनिंग की नॉलेज नहीं है तो कुछ वीडियो देखें, मेरा भी कई अन्य प्लेटफार्म है वहाँ भी देखें, काफ़ी अच्छा लोगों को नॉलेज है, उसके अनुसार आप प्रूनिंग करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। किस्मों का चयन, किसान साथियों ये सबसे मेन टॉपिक है, किस्मों का चयन, यानी कि जो हमारा लो चिलिंग एरिया है यहाँ पर कुछ लिमिटेड किस्में हैं, और उसमें भी चीटिंग हो गई तो हमारा जो समय है वो गया, पैसे गए। तो आप इन चीज़ों पे भी बिल्कुल ध्यान रखें, आपके साथ चीटिंग ना हो, ये आपका मेन पॉइंट होना चाहिए। इसके अंदर अब तक जो नॉन चिलिंग एरिया में है वो काफ़ी पॉपुलर जो वैरायटियां हैं वो मैं आज आपको बता देता हूँ। सेसा, वोमोगु, ट्रॉपिकल ब्यूटी, माइकल, अर्ली फ्यूजी, अन्ना, डोरसेट गोल्डन, हरीमन, ये वैरायटियां हैं जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। लेकिन इसमें से अन्ना, डोरसेट, हरीमन ये वैरायटियां ही अब फिलहाल आप लगाएं, क्योंकि इसी पे ही हम बेच रहे हैं। अन्य वैरायटियों को हमने सिर्फ अभी से ट्रायल पे डाल रखा है, जो हमने कुछ गवर्नमेंट से ली, कुछ लैब से ली, उनका अभी से अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। काफ़ी लोग इनके नाम से काफ़ी अन्य वैरायटी सेल कर रहे हैं, आम किसानों को पता नहीं, वो नहीं समझ के ले रहे हैं, जो कि अधिकतर में अन्ना ही है या हरीमन है, उनका नाम ही चेंज करके बिक रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हमने कुछ वैरायटियां लगाई है, कुछ की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, कोई पौधा ही सूख रहा है, पूरे के पूरे ब्रांचेस सूखने लग रही है, वो इस क्लाइमेट में सेट नहीं हो रहा है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अन्ना, डोरसेट, हरीमन, इनका ट्रायल काफ़ी जगह आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनका प्लांटेशन अच्छे से लगा सकते हैं। वोमोगु है, वो केनिया की वैरायटी है, इम्पोर्ट की है, उस पर अभी से ट्रायल आना बाकी है, काफ़ी समय हो गया लगाए हुए, लेकिन वहाँ पर साल में वो 2-3 बार फ्रूट दे रही है, और यहाँ पर अभी से देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, वो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बिगर रिजल्ट आए आप लोगों को बेचना वो ठीक नहीं। काफ़ी किसान मांग कर रहे हैं कि जी आप काफ़ी कॉस्टली ले लो, आप ज़्यादा पैसे ले लो, ऐसा कर लो, वो नहीं करते हम, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आए किसी क्रॉप का तो उसको बेचना बेकार है। किसान साथियों सबसे मेन ये होता है कि हमने जैसे ये बाग लगाया, अब आप देख रहे हो ये हमने लगाया, इसके बीच में ये हमने इंटरक्रॉपिंग लिए गेंदे की, और गेंदे पे हमने लगा रखा है ड्रिप। अब ड्रिप लगा रखा है तो ड्रिप का जो पानी है वो सिर्फ गेंदे तक सीमित रहता है, इसकी नमी इस 2.5 फीट के एरिया में रहती है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया, ये खाली है और ये बेड पे लगे हुए हैं, तो ये पौधे इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये बड़े हो गए, ये छोटे हैं,
तो इंटरक्रॉपिंग में, क्योंकि जो भी किसान लगाता है उसकी प्राथमिकता होती है कि जो हमारी ज़मीन है वो बीच का जो खाली पड़ा हुआ है लाइनों से लाइनों के बीच में, उसका हम क्या यूज़ लें। उसका आप सिंपल सा ये लें कि कोई भी ऐसी क्रॉप चयन करें जो दूसरे तक नमी ना पहुंचाए, यानी कि पानी की मात्रा है वो दूसरे पौधे तक ज़्यादा ना पहुंचे। कोई बेड बना ले, ड्रिप से कर ले, वो सबसे अच्छा है। दूसरा, 1.5 फीट से ऊपर कोई फसल ना ले। जब पौधा बड़ा हो जाए तो आप 2 फीट की भी ले सकते हैं। या आप ध्यान रखें कि आप इसमें क्रॉप लगाएं तो आप ये ध्यान रखें कि हमें लगाना क्या है। इसके विपरीत कोई ना लगाएं, ना ही इनकी लाइनों में लगाएं। जैसे सेब का पौधा है, अभी इसमें पतझड़ हो रहा है, अगर इसी लाइन में हम इसमें गोभी लगा दें या मूली लगा दें सर्दियों के मौसम में, तो उसको पानी अभी चाहिए और इसको पानी नहीं चाहिए, तो ये हमारा सेब का पौधा उस समय मर सकता है ज़्यादा पानी की वजह से। क्योंकि अब हम इसको 2 महीने तक हर 15 दिन में एक बार पानी देंगे, वो भी हल्का सा, और मूली को हर दूसरे दिन पानी चाहिए। मूली है, गाजर है, शलगम है, या मेथी वगैरह है, अन्य पालक वगैरह है, तो आप ये चीज़ इनकी लाइनों में ना लगाएं, बीच में कोई जगह है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखें। सेब के कुछ रोचक तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। सेब की पूरे वर्ल्ड में 7500 किस्में हैं, जिसमें 2500 किस्में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, वहाँ पर इनकी भरपूर खेती होती है। चीन एक पूरे विश्व में ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन करता है। सेब का पौधा दोस्तों, अगर आपने ठीक से केयर की और अच्छा चला, तो ये 80 साल तक भी फल दे सकता। साथियों, सेकाई इची सेब की जो किस्म है, वो एक फ्रूट सबसे महंगा है, 2200 रुपये का एक फ्रूट मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेब का जो सबसे लंबा पौधा है वो फ्रांस के अंदर है, और उसकी जो हाइट है वो 37 फीट है। दूसरा, सेब का एक ऐसा गुण है जिसको अगर आप पानी में सेब को डालोगे तो सेब तैर सकता है, क्योंकि उसमें 25% हवा होती है। आइजैक न्यूटन ने जब सेब के पेड़ के पास वो खड़े थे, तो वहाँ से सेब नीचे गिरा, उन्होंने देखा कि सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। इसी के कारण उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, और वो सभी के सामने है आज। तो ये कुछ रोचक तथ्य थे सेब के बारे में। अंत में मैं यही कहूँगा, किसान साथियों, जहाँ से भी आप पौधा ले, जैसा भी ले, लेकिन आप ओरिजिनल का ध्यान रखें। दूसरा, अपने क्लाइमेट का आप ये भी ध्यान रखें कि हमारे यहाँ क्या हो सकता है, कौन सी वैरायटी हो सकती है। आप कोशिश करें कि आप ऐसी जगह से लें जो नॉन चिलिंग एरिया है, वहाँ पर पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। किसान साथियों, पौधा खरीदने के लिए सबसे अच्छा जो जगह है वो नॉन चिलिंग एरिया है, यानी कि हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर जो नॉन चिलिंग एरिया जहाँ पर अच्छे पौधे तैयार हो, वहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि वहाँ के पौधे ऑलरेडी मौसम में सेट हो चुके हैं और वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे आपके जाने के बाद। क्योंकि ये आप पौधे देखें, ये कितनी हाइट हो चुकी है, 6 फीट 7 फीट आगे अंदर आप देखेंगे तो 8-8 फीट के पौधे हो चुके हैं। फिर हम उनको कट करके इतना 3-4 फीट का फिर भेजेंगे और काफ़ी अच्छा आपके चलेंगे। पैकिंग है वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह के हम पैक करेंगे। साथियों, जब आप ऑर्डर करेंगे हमारे इन नंबरों पर, फिर हम आपकी पैकिंग स्टार्ट करेंगे। और इस तरह की ये पैकिंग होगी जो आप देख रहे हैं, या ये साइड में जो आप देख रहे हैं, जो हम दिसंबर में करते हैं, इस तरह पैक करके फिर आप तक ये पौधे भेजेंगे। उम्मीद करते हैं ये हमारे सेब के बारे में जो जानकारी थी आपको पसंद आए होगी। धन्यवाद। जय हिंद।